दोस्तों, क्या आपको पता है कि कॉपर हमारे लिए कितना ज़रूरी है? कॉपर का इस्तेमाल कई जगह पर होता है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, उनमें ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि बिजली के क्षेत्र में तो कॉपर किसी क्रांति की तरह है। कॉपर बहुत ही ज़रूरी धातु है, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉपर कैसे बनता है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जमीन से कॉपर को किस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन आपसे एक प्यारा सा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये नॉलेज आपके भविष्य में बहुत ही काम आएगा। दोस्तों, कॉपर को बनाने के लिए कॉपर की खदानों में बड़े बड़े विस्फोट करने पड़ते हैं। विस्फोट करने के बाद कॉपर के साथ कई बड़े बड़े पत्थर भी मिले हुए होते हैं। इस पूरे माल को फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो दोस्तों, फैक्ट्रियों में कॉपर के बड़े बड़े पत्थरों को मिक्सर मशीन में डाल दिया जाता है। ये मिक्सर मशीन कॉपर के बड़े बड़े पत्थरों को पाउडर की तरह बदल देता है। आपको बता दे कि ये कॉपर शुद्ध कॉपर नहीं है, इसमें 70% शुद्ध कॉपर होता है, तो वही 30% मिट्टी और पत्थर होता है। मिक्सर मशीन में डालने के बाद कॉपर पाउडर की तरह बन जाता है। कॉपर का पाउडर बनाने के बाद इसमें तेल और पानी डाला जाता है और इसे फ्लोटेशन प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वाइब्रेशन मशीन लगी होती है जो कॉपर को पानी और तेल के ऊपर तैराती है। वाइब्रेशन प्रक्रिया की मदद से कॉपर तेल पानी से अलग हो जाता है, जिसके बाद कॉपर को फिल्टर करके अलग से मशीन में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अब इस कॉपर को चूना, पत्थर और कोयले के साथ मिलाकर गर्म भट्टी में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अब ये कॉपर शुद्ध कॉपर बन चुका है। शुद्ध कॉपर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ज्वालामुखी में से लावा बाहर निकल रहा हो। यहाँ का तापमान बेहद ही गर्म होता है। अब इस कॉपर को बड़े से पट्टे में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये कॉपर ठोस कॉपर बन जाता है। तो दोस्तों, अब ये कॉपर बन चुका है। इससे अब कई तरह के उपकरण बनाए जा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें।